श्रीमाता की जय। इतना कहते हैं सुनने के बाद भी इतना धीरे से बोल रहे हैं महालक्ष्मी माता की जय। शायद आप सब ध्यान में होंगे महालक्ष्मी के सुनते सुनते हुए। जी हम विश्वास करते हैं सागर जी की कथा सुनते तो हम ध्यान में जाते ही है, रोते हैं, नाचते हैं, कभी कभी भावुक हो जाते क्योंकि कथा में सागर जी बोले होंगे हालड़ी। और जब कथा श्रवण करते हैं उसमें जो भी भावनाएं आते हैं ये सब कर्मफल जो है इस तरीके चले जाती है। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं बात, क्योंकि आप कथा सुनते समय अगर कोई दुख होती है वो महालक्ष्मी ने ऐसा बहुत आप हमको आशीर्वाद देने के लिए छोटी बन के आई, ये तो श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं बालक बन के आया और माता जी से जो मार भी खाया, ये सब सुनते तो कभी कभी दया होती हूँ। स्वयं भगवान ऐसे छोटे बालक बन के आया, कितना दया स्वरूप है ऐसा लगता है, उस समय हमको दया आती है। और कभी कभी उन्होंने कष्ट लिया, ऐसा पूतना आई वो सब कष्ट लिया, मतलब उस समय हमको थोड़ा दुख होता है। तो ऐसी तरीके ये सब जीवन में जो हम लेना दे दुख वो सब इस तरीके से चले जाती है, अपना कर्मफल इस रूप से चली जाती है। इसलिए कथा श्रवण से ये सब फायदा है। और पूजा करने समय जब हम पूजा करते हैं कोई भी पूजा, उस करने से पहले हम ध्यान करते हैं भगवान कैसे होते हैं, ध्यानम देन आवाहनम उनको बुलाते हैं, देन आसनम बिठाते, और बाद में उनको जो उपचार सेवा है भोग लगाना, धूप दिखाना, तिलक लगाना, ये सब करते हैं। तो हम अभी जो भी ठीक हुआ इस 8 दिन हम क्या किया, महालक्ष्मी का ध्यानम, क्योंकि हम महालक्ष्मी को बुलाने वाले हैं इन जून, राइट। बोलिए जय श्री कृष्ण। सो महालक्ष्मी के ध्यान हुआ क्योंकि हम किसी को बुलाने से पहले उनकी पहचान होना है, किसको बुला रहे हम, ऐसे ही थोड़ी बुलाते राइट। कृष्णा जी को बुला रहे मतलब वो कोई है तो नहीं, पंडित जी है तभी बुलाते हैं हमको सो सागर जी को बुलाया मतलब उनके ज्ञान आप सब जानते हैं, इसलिए उनको बिठाया व्यासपीठ में, और किसी प्लम्बर को नहीं बिठाते राइट। हम उनको जानने से जानते किसको बुला रहे हैं, हम क्या हम सुनने वाले हैं, तो हम किसको बुला रहे हैं, महालक्ष्मी माता को, मगर उनसे वो कौन है हम जानना चाहते हैं राइट। इसलिए हु इज महालक्ष्मी, हम सब वो एक ही जानते थे, महालक्ष्मी मतलब पैसा, मगर अभी बहुत कुछ पता चल गया केवल पैसा ही महालक्ष्मी नहीं है, ऐश्वर्य बहुत प्रकार से आती है, अष्टलक्ष्मी राइट। ये सब हमको बहुत अच्छी तरीका ज्ञान दिया सागर जी ने। सो अभी ध्यान हुआ, आवाहन मंत्र महालक्ष्मी को आमंत्रण करेंगे, बुलाएंगे बहुत जल्दी विग्रह स्वरूप में, और बाद में बिठाएंगे आसनम अपने मंदिर में, दिन हम उपचार सेवा करने के लिए भाग्य हो जाते हैं। तो ये सब हम बहुत बहुत भाग्यवान है ये कथा सुन के, और आप सब आए तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। जब घर पे कोई मेहमान रिलेटिव आते तो बहुत संतोष होता है बच्चों को, अरे इतना लोग आया ये सब सुंदर लगता है राइट। आप सब जब इतना लोग आते तो हमको भी बहुत बहुत आनंद होती है। तो आप सब इसी तरीके आते रहिए और आनंद लेते रहिए और हमको भी आनंद देते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। और अभी अपना टेम्पल चेयरमैन मुरली जी आएंगे और बात करेंगे।